आवा गार्डन घूमाना घुमान गार्डन में घुमान तो बने रहियो मेरे ब्लॉग में एंड तक ठीक। और भैया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो करो, जो लोग नए नए हैं जो नहीं करें चैनल सब्सक्राइब, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो करो। खूब मेरे घर पानी छुआ, देखो मेरे कपड़ा कैसे डर रही है खटियान। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग, आई होप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। एक हमारे नए ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आपने देखा होगा राधा देवी हरियारी दीदी ने वीडियो डाले होंगे 5 से 6, आपने देखा ही होगा, कल भी देखा होगा, मैंने अभी देखा है। जो उनके मैनेजर थे क्या जीतेश, हमें लग रहा है शायद उन्होंने छोड़ दिया उनको, क्योंकि दीदी बहुत परेशान रहने लगी हैं। किस तरह का टॉपिक बनाना है या कुछ भी करना है बिल्कुल उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। बेचारी कानपुर घूम रही हैं या इधर उधर से जो भी कुछ मिल रहा है वही बना रही हैं। उन्हें बताने वाला भी कुछ नहीं है किस तरह बोलना चाहिए कि नहीं, कि कौन सा टॉपिक बोलना चाहिए। रश्मि अपना अलग कर रही हैं, उन्हें कोई भी बताने वाला नहीं है। आपने देखा होगा काइन मास्टर से वो बनाती हैं, उनमें लोगो बन के आता है काइन मास्टर का, तो वो भद्दा सा दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनके रश्मि से कहना चाहूँगा, जिससे आप एक्टिंग करती हो अपनी मम्मी कर दिया करो, मम्मी आपसे अलग थोड़ी ना है या वो भी अलग हुई हैं। आप अपना देखती हो और दीदी बेचारी क्या किससे एक्टिंग कराती हैं, वो काइन मास्टर से करती हैं, ये तो गलत बात है। माता पिता ही आज के समय में सब भी अपने होते हैं बिल्कुल नहीं। और दीदी ने आपका पूरा सपोर्ट किया था कि रश्मि जो कुछ भी हो आपको दीदी की वजह से हो, वरना कोई साथ नहीं देता है। जो भी सब्सक्राइबर हैं वो राय दीदी के चैनल से ही आपको मिले हैं। तो हमारी रश्मि से रिक्वेस्ट है, उनकी भी एडिटिंग कर दिया करो, कान मास्टर से करती हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर कोई बाहर का भी कर रहा होगा तो कितनी गलत बात है, हमारे परिवार में ही अनबन होगी तो बाहर वाले को पता चल जाएगी। इसलिए रश्मि आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि उनकी एडिटिंग वगैरह आप ही कर दिया करो, जिससे वीडियो देखने में भद्दा न लगे, क्योंकि उनके व्यूज भी बहुत डाउन हो रहे हैं। तो इससे दिख रहा है कि एडिटिंग वगैरह अच्छी नहीं हो रही है, ना कोई ट्विन वगैरह लग रही है, कुछ भी नहीं। जितेश भैया आपने तो उनका साथ हमेशा दिया है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए जितेश भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी उनकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, चैनल जब तक ग्रो हो ना जाए। चैनल अभी बिल्कुल डाउन चल रहा है, जो पहले व्यूज आते थे वो दीदी के इस समय नहीं आ रहे हैं। वैसे भी उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ था, पहले देखो कितने अच्छे व्यूज आते थे, 8 लाख तक वीडियो गया, फिर रुका, कितना विवाद हुआ, फिर चैनल उनका एडसन में प्रॉब्लम आई, काफ़ी परेशान रही, पर धीरे धीरे वो सब ठीक हो गया। उनका दूसरा भी चैनल चल रहा था, उस पर भी बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं डाल पा रही हैं। इसलिए आप जितेश भैया उनकी हेल्प कीजिए। सो फ्रेंड, रुक रुक के बारिश आ रही थी, इसलिए बूंदाबांदी भी हो रही, इसलिए मैंने वीडियो अभी रोक दिया था और कीड़ा आँख में पड़ गया था मेरे। तो फ्रेंड मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी का साथ मत छोड़ो, जब साथ साथ में हो हमेशा साथ दीजिए। इसलिए या तो साथ दो मत, और साथ दिया है तो हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। तो रश्मि आप ध्यान रखो कि आप दीदी हैं तभी तक आप हो, वरना नहीं। आपने अलग पहचान बना तो ली है, पर आप किससे पहचान बनी है, वो दीदी से बनी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, दीदी की एडिटिंग आप करोगी और बताओगी क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। जब VN ऐप एक ऐप आता है उससे आप एडिटिंग करोगी तो बिल्कुल लोगों काइन मास्टर जैसा नहीं बन के आएगा। तो आप, क्योंकि दीदी तो पढ़ी लिखी है नहीं तो वो क्या जानेंगी, इसलिए आप VN ऐप से एडिटिंग करके उन्हें सिखाइए, कुछ भी कीजिए। और जितेश भैया आपने अगर छोड़ दिया है तो गलत बात है, 5 वीडियो मैंने देखे हैं उन पर बिल्कुल आपकी एडिटिंग नहीं है, क्योंकि एक मामूली इंसान कोई कर रहा है इससे अनुभव नहीं है, तभी दीदी के व्यूज कम आ रहे हैं। तो इतना ही कुछ था आज के वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर आप सभी लोग, बहुत बुरा लगा कि दीदी हमारी कितनी अच्छी हैं, उनका साथ सभी छोड़ रहे हैं, गलत बात है। हाँ रसगुल्ला भाई, बेरोजगार रसगुल्ला भाई, आप ही उनकी हेल्प कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आपकी तरह उनकी भी ज़िंदगी हो गई है, आपको भी लोग पसंद कर रहे हैं, उनको भी पसंद कर रहे हैं, इसलिए आप उनकी हेल्प कीजिए और बताइए एडिटिंग कैसे की जाती है वीडियो की। 5 वीडियो हो गए बताओ, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, उनका काइन मास्टर का लोगो बन के आया, पहले नहीं आता था, जितेश भैया थे, अब उनका साथ छोड़ चुके हैं जितेश भैया, मुझे तो यही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जितेश भैया तक पहुँच जाए और बेरोजगार रसगुल्ला भाई तक पहुँच जाए, कि उनकी हेल्प कर सकें।
तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा एंड बाय बाय। देखिए मौसम आज इतना मस्त है, और आपने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं होगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ। अभी जाऊँगा तो सुहाई दीदी और राधा से मिल के आऊँगा। आप थोड़े ब्लॉग गाँव के डालिए जिससे और भी अच्छा लगेगा, आप गाँव के ब्लॉग नहीं डालती हो इसलिए और भी वीडियो आपके वायरल नहीं होते हैं। तो राय दीदी आप गाँव के ब्लॉग जरूर डालना, तो इतना अच्छा व्यू है आज का, बहुत ही अच्छा मौसम है, बादल देखिए। बरसात बहुत हो चुकी है इसलिए मौसम अभी हल्का हल्का साफ नहीं हुआ है, शायद ना हो, रात में बरसात होती है, डेली बरसात हो रही है। तो फ्रेंड बस ऐसा ही प्यार बनाए रखना, टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू अपना सपोर्ट बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।